देश ने अपने अन्न भंडार खोल दिए, कोई गरीब भूखा न सोए इसका ध्यान रखा, मुफ्त राशन का इंतजाम किया। साथियों, जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिर आते हैं, कई बार ईश्वर से कुछ मांगते हैं, कुछ संकल्प लेकर भी जाते हैं। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है, मेरे लिए हर भारतवासी ईश्वर का ही अंश है। जैसे सब लोग भगवान के पास जाकर के मांगते हैं, जब मैं आपको भगवान मानता हूं, जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप मानता हूं, तो मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ मांगता हूं, मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए तीन संकल्प चाहता हूं। भूल मत जाना, तीन संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला स्वच्छता, दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। स्वच्छता जीवन शैली होती है, स्वच्छता अनुशासन होती है। ये अपने साथ कर्तव्यों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला लेकर आती है। भारत चाहे जितना ही विकास करे, स्वच्छ नहीं रहेगा तो हमारे लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। इस दिशा में हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमें अपने प्रयासों को और बढ़ाने होंगे। कर्तव्य की भावना से भरा आपका एक छोटा सा प्रयास देश की बहुत मदद करेगा। यहां बनारस में भी, शहर में, घाटों पर स्वच्छता को हमें एक नए स्तर पर लेकर जाना है। गंगा जी की स्वच्छता के लिए उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक कितने ही प्रयास चल रहे हैं। नमामि गंगे अभियान की सफलता बनी रहे इसके लिए हमें सजग होकर काम करते रहना होगा। साथियों, गुलामी के लंबे कालखंड है, हम भारतीयों का आत्मविश्वास ऐसा तोड़ा कि हम अपने ही सृजन पर विश्वास खो बैठे। आज हजारों वर्ष पुरानी इस काशी से मैं हर देशवासी का आह्वान करता हूं, पूरे आत्मविश्वास से सृजन करिए, इनोवेट करिए, इनोवेटिव तरीके से करिए। जब भारत का युवा कोरोना के इस मुश्किल काल में सैकड़ों स्टार्टअप बना सकता है, इतनी चुनौतियों के बीच 40 से ज्यादा यूनिकॉर्न बना सकता है, वो भी ये दिखाता है कुछ भी कर सकता है। आप सोचिए, एक यूनिकॉर्न यानी स्टार्टअप करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और पिछले 1-1.5 साल में बना है। इतने कम समय में यह अभूतपूर्व है। हर भारतवासी जहां भी है, जिस भी क्षेत्र में है, देश के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा, तभी नए मार्ग मिलेंगे, नए मार्ग बनेंगे और हर नई मंजिल पाकर रहेंगे। भाइयों और बहनों, तीसरा एक संकल्प
जो आज हमें लेना है वो है आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने प्रयास बढ़ाने का। ये आजादी का अमृत काल है, हम आजादी के 75वें साल में है जब भारत 100 साल की आजादी का समारोह बनाएगा, तब का भारत कैसा होगा इसके लिए हमें अभी से काम करना होगा। और इसके लिए जरूरी है हमारा आत्मनिर्भर होना। जब हम देश में बनी चीजों पर गर्व करेंगे, जब हम लोकल के लिए वोकल होंगे, जब हम ऐसी चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, तो इस अभियान को मदद करेंगे। अमृत काल में भारत 130 करोड़ देशवासियों के प्रयासों से, सबके प्रयासों से आगे बढ़ रहा है। महादेव की कृपा से, हर भारतवासी के प्रयास से हम आत्मनिर्भर भारत का सपना सच होता देखेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं बाबा विश्वनाथ के, माता अन्नपूर्णा के, काशी कोतवाल के और सभी देवी देवताओं के चरणों में एक बार फिर प्रणाम करता हूं। इतनी बड़ी तादाद में देश के अलग अलग कोने से पूज्य संत महात्मा पधारे हैं, यह हमारे लिए, मुझ जैसे एक सामान्य नागरिक के लिए ये सौभाग्य की पल है। मैं सभी संतों का, सभी पूज्य महात्माओं का सर झुका करके हृदय से अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं आज सभी काशीवासियों को, देशवासियों को फिर से बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी ओजस्वी उद्बोधन के लिए। पूज्य संतों, दिव्य संबोधन, दिव्य धाम का लोकार्पण, दिव्य धाम के लोकार्पण के साथ ही साथ दिव्यतम महोत्सव,